नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। नवादा में एक युवक के खाते में गलती से आए 9,94,000 रुपया। युवक थाना पहुंच खाते में आए रुपए की जांच कर जिसके रुपए हैं उसे वापस करने की पुलिस से लगा रहा है गुहार। नवादा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक के पंजाब नेशनल बैंक खाते में गलती से 9,93,000 रुपए आ गए हैं। जिले के तकरीब रावा थाना क्षेत्र के एरुरी गांव निवासी सुमंत कुमार पिता बानो यादव ने आनन फानन में नगर थाना पहुंचकर पुलिस को खाते में लाखों रुपए आने की आप बीती बताई और युवक ने लिखित शिकायत देकर खाते में आए 9,93,000 रुपए की उचित जांच कर जिसके रुपए हैं उसे वापस करने की पुलिस से गुहार लगा रहा है। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। कब आया ये मैसेज? इसका ये मैसेज हम देखे सर लगभग 5 बजे। मेरा मोबाइल 3200 रुपया था, अभी लगभग 9,96,000 बता रहा है। देखिए मैसेज कब आया ये मैसेज? इसका ये मैसेज हम देखे सर लगभग 5 बजे। क्या हुआ आपके सर? मेरे अकाउंट में अचानक पैसा आ गया। हम जब सब्जी लाने पैसा आ गया सब्जी लाने गए तब पैसा भेजे तो भेजाया नहीं, तो हम सोचे एक बार तो बैलेंस चेक किया तो इतना पैसा बता रहा है। तो बताया कितना तो पैसा बता रहा है? 9,96,000 कुछ बता रहा था। मेरे पास था 3200-3400 रुपये मेरे खाता में था। उसके बाद बताया तो हम सोचे कहाँ से पैसा आ गया, तो सब्जी लाने गए तो बैलेंस चेक किए तो देखे इतना इतना पैसा आया हुआ है। कितना पैसा आया था आपके अकाउंट में? मेरे अकाउंट में लगभग 9,93,000 रुपये आया हुआ है। कौन भेजा है नहीं जानते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं जानते। नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमंत कुमार हुआ। कहाँ घर है? घर रेली हुआ, थाना फकरीवरावा, जिला नवादा।